So, hello friends, today we will discuss about the topic aromaticity. Aromaticity मतलब एक beginning level की concept से शुरू हुई थी कि जो normally हम लोग compounds को जैसे aliphatic समझते थे and aromatic. Aromatic, aliphatic compounds में normally ये word हम काफी frequently use करते हैं chemistry में. तो ये जो है open chain compound है. Aromatic word जो है ये aroma से लिया गया. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में से जो है आपका स्मेल आपकी बहुत अच्छी सी आती है और स्टेबिलिटी भी काफी होती है इन कंपाउंड्स की, ये नेचर में देखा गया. तो वहां से एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है हम लोगों ने जो है डिफाइन करने शुरू कर गए. तो आपका जो ये कंपाउंड्स है, हम नॉर्मली ओपन चेन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डिवाइड करते हैं, क्लोज चेन को फिर हम आगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड कर देते हैं. होमोसाइक्लिक को भी आगे हम दो डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक और आपका एरोमेटिक. एरोमेटिक को आगे हम डिवाइड कर देते हैं बेंजेनोइट और नॉन बेंजोइट. हेट्रोसाइक्लिक भी आ गए आपके होमोसाइक्लिक में, सॉरी एलिसाइक्लिक और दूसरे आपके एरोमेटिक में. ठीक है, तो एलिसाइक्लिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल एल्कीन जैसी होती हैं. इनको आप एलिफैटिक इनके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं. और एरोमेटिक की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है. पहली बात तो जैसे आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देते हैं ब्रोमीन के साथ, जैसे आप मान लीजिए इथीन की रिएक्शन कराएं तो वो आपकी डाइब्रोमाइड बना देगी, बेंजीन जो है कोई रिएक्शन नहीं करेगा. और यदि आप उसमें आयरन का कैटलिस्ट डालेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देगा. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग तरीके की. तो आपका जो हम इनको डिवाइड करते हैं बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में, बेंजेनॉइड में आपका बेंजीन रिंग जरूर होगा, नॉन बेंजेनॉइड में आपका बेंजीन रिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. और एलिस आपके हेट्रोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक है इसमें नाइट्रोजन सल्फर या फॉस्फोरस वगैरह कोई एटम या ऑक्सीजन का रिंग के अंदर आता है. ठीक है, तो ये सब आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक तो ये सारी चीजें आ जाती है प्लस. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कुछ कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. तो कंपाउंड्स को नॉर्मली जो उनकी मतलब काफी स्टडी करी साइंटिस्ट वगैरह ने और इस पर एरोमेटिसिटी पर काफी डिटेल्स थ्योरीज हैं, तो उनमें से हम लोग आईआईटी जो पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैक्सिमम बातें हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसमें अप्लाई हो जाती है जिसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, और हकल्स रूल है उसका डिस्कशन करेंगे. तो कंपाउंड्स को नॉर्मली तीन क्लासेस में जो मतलब एरोमेटिक होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, या उन जैसे नजर आते हैं लेकिन उनकी एरोमेटिक जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, और आपके एरोमेटिक जैसे नजर आते हैं लेकिन होते वो नॉन एरोमेटिक में आते हैं. ठीक है, तो मतलब कुछ टर्म्स आपस में ये मैचिंग करेंगी थोड़ी सी. एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, तो ये तीन कंपाउंड्स की जो हम क्लासेस डिफाइन करेंगे इनकी और प्रॉपर्टीज भी कुछ डिफाइन करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे ये हमें आगे डिस्कस करना है. तो आपका जो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, किस बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल डाटा भी है, रूल्स भी है, और उनके बहुत सारे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने आगे डिस्कस करने. तो इस पर जो है आपका हकल्स ने रूल दिया था तो उसको हम बताएंगे, फिर एग्जांपल्स वगैरह को आगे डिस्कस करेंगे. तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा,
इसके लिए आपका हकल्स ने रूल दिया। तो पहले हकल्स रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड आपका जो एरोमेटिक होगा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगी, जैसे फर्स्ट कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, पहली बात तो मतलब साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक हो सकते हैं, उनमें ही पॉसिबिलिटी है, यानी ओपन चेन कंपाउंड तो आपके जो है वो एरोमेटिक होंगे ही। दूसरा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आपका जो है पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, या पाई पाई कॉन्जुगेशन हो सकता है, या फिर पाई एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो सकता है, पाई एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो जो है आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका हो। थर्ड आपका जो है ऑल द एटम्स इन द साइकिल आर प्लानर, यानी जो भी आपके साइकिल के अंदर एटम्स होंगे वो आपके प्लानर, ठीक है, तो प्लानर होंगे आपके, यानी कि उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा, ठीक है, जितने भी आपके रिंग साइकिल के अंदर एटम्स होंगे। फोर्थ जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन्स 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स एंड n=0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये आपके नंबर्स हो, ये नहीं है कि वो आपका एन फ्रैक्शन हो सकता है। तो जो भी कंपाउंड इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका एरोमेटिक होगा, ठीक। तो एरोमेटिक के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारे को देखनी है। दूसरी बात आपको ये दिमाग में बात रखनी है, कंपाउंड जो है उसकी टेंडेंसी, यदि वो आपका एरोमेटिक बनने के करीब है, ठीक है ना, साइकिल भी है उसके अंदर, कॉन्जुगेशन भी है, यदि कहीं नहीं भी है तो भी वो बनने की कोशिश करेगा, वो जो है अपने यदि लोन पेयर उसके पास अवेलेबल है तो उसको रिंग में डाल देगा, ठीक है, तो आपका जो है बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसकी क्या नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेसिस को डिफाइन करेंगे। तो जो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे कंपाउंड वो आपके एरोमेटिक कहलाएंगे, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक्स के लिए भी जो है हकल्स का रूल है उसको हम डिफाइन कर देंगे अभी, और जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएंगे वो आपके एंटी एरोमेटिक में कैटेगरी में जाए। अब जो है हम लोग हकल्स रूल फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस है ये तीन आपकी बिल्कुल सेम रहती है, और इसके पास बस इस कंडीशन में डिफरेंट होता है कि 4π इलेक्ट्रॉन होते हैं और n=1, 2, 3, 4 ठीक है, ये आपके एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन होती है। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की मतलब इसलिए कई बार शक्ल बिल्कुल सेम सी नजर आती है लेकिन प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएंगे कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक करेंगे। और स्टेबिलिटी में क्या होगा कि आपके जो है एरोमेटिक दीज आर मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, दीज आर आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक इज ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है इन कंपाउंड्स का। तो इसका मतलब ये कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कम रिएक्टिव होंगे, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे बेंजीन है आपका, ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन ये जो कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है।
ठीक है, इसके पास आप पाई इलेक्ट्रॉन देखे तो 6 है, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। बाकी सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा, साइक्लिक भी कंपाउंड, कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ऑल एटम्स एक ही प्लेन में, हर एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, 4n प्लस 2 6 है तो n इक्वल टू 1 हो गया। इसको यदि आप देखें तो ये भी आपका सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक है आपका और जो है आपका हाईली रिएक्टिव होगा ये, ठीक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है और इसके पास चार पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n = 4 n = 1 और इसके पास जो है ये आपका एरोमेटिक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो आपके एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, उनको डिस्कस करेंगे और आपको जितने भी एग्जांपल्स आईआईटी तक के लिए लगते हैं उन सब का हम डिस्कशन यहाँ पर आज करेंगे, जिससे कि आपका जो है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, उसके सब कंफ्यूजन दूर हो। अब जैसे ये तीन आपकी स्पेशीज है, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्यों, ठीक है, नहीं तो उसके लिए आप देखिए, जैसे यहां पर जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कार्बन की चार वैलेंसी हो जाती है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड चार हो गए, तो चार बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी ना तो एरोमेटिसिटी कंडीशन बची ना ही एंटी एरोमेटिसिटी कंडीशन बची, तो इसीलिए जो है ये आपका नॉन एरोमेटिक। इसको यदि आप देखें तो सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, कार्बन के टाइम sp2 होता है, यहां भी sp2 हो गया था पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लानर हो जाएगा मॉलिक्यूल, 120 का एंगल आपके रहते रहोगे और आपका साइक्लिक भी है, और यदि आप इसके बाद देखें 4n प्लस 2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक, तो हगल रूल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कंपाउंड, तो इसलिए ये आपका एरोमेटिक है। ये जो कंपाउंड है इसके पास आप देखें कि भाई इसका जो लोन पेयर है वो चलिए रिंग के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा और आपके जो ये जो है बाकी सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग भी है, साइक्लिक भी है, 4n, तो लेकिन जब ये रिंग के अंदर आ गया पाई बॉन्डिंग के रूप में तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये इसलिए आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको देखिए काफी मिलते जुलते से एग्जांपल्स लग रहे हैं और अब इनमें हमारे को डिफाइन करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन ये भी एग्जांपल हमने डिस्कस कराई था, तो ये आपका जो है एंटी एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक। इसमें यदि आप देखें चलो डबल बॉन्ड आ गया कुछ कंडीशन फुलफिल हो गई लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हकल्स रूल में एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की जितनी भी कंडीशन बताई गई थी जिनमें से एक भी अनसेटिस्फाई हो गई तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंडीशन आ गया। हाँ, एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एरोमेटिसिटी में जाएगा आपका, यदि उसकी एंटी एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो एंटी एरोमेटिसिटी में जाएगा, ठीक है, तो इसमें ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें आपका ठीक है यहां तक आपका ये कंजुगेशन होगा लेकिन इसमें इस कार्बन का आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यानी कि आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वहां पर शेप टेट्राहेड्रल हो जाती है तो वो आपके आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। यहां पर आप देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4n प्लस 2 कंडीशन को भी फॉलो करता है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपके हगल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए ये आपका एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है साइक्लिक एटम पर और आपके सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ये जो आपका एग्जांपल है इसमें आपका इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको सेटिस्फाई बाकी कंडीशन भी नहीं कर पा रहा है तो ये आपका नॉन एरोमेटिक में आ जाता है।
और इसमें आपका ये भी रिंग के अंदर आ गया, ये भी रिंग के अंदर आ गया, तो आपका जो है कंपाउंड में वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4n+2 = 6, n = 1, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह हो गया, प्लानर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, तो ये आपका कंपाउंड जो है एरोमेटिक, ठीक है। तो और भी हम इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन आगे लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक। तो अब ये इलस्ट्रेशन है आपके, तो इसमें अब कैसे हम प्रूव करेंगे कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड का नाम आपका क्या हुआ, साइक्लोपेंटा और 1,3-diene, ठीक है, दैट इज साइक्लोपेंटा 1,3-diene एनायन हो जाएगा आपका, ये साइक्लोपेंटा डाइईन कैटायन हो जाएगा और ये कंपाउंड आपका बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें आपका इस पोजीशन का आप देखे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, और इसके पास कोई ऐसा हेटेरो एटम भी नहीं है जो इसको लोन पेयर डोनेट कर सके, ठीक। तो इसलिए ये आपका कंपाउंड जो है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें ये रिंग इसके अंदर आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफी सारे बन जाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो है यदि आप देखें 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और ये 2, 6, तो n = 1 आ गया, और ये सारी कंडीशन आपकी हकल शुरू की फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये जो कंपाउंड है आपका इसमें आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ठीक है, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो n = 1, तो ये जो कंपाउंड है आपका एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये जो कंपाउंड है आपका बेंजीन है, तो बेंजीन आपका सभी कंडीशन को हकल शुरू की फॉलो कर रहा है, और 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो n = 2 आपका जो है ये आपका 1 हो गया, और हर एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, सभी कार्बन एटम प्लानर भी है और आपका एक ही प्लेन में है और साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, तो इसलिए आपका एरोमेटिक। तो इन इलस्ट्रेशंस में आपका जो ये आपका साइक्लोहेप्टा 1,3,5-diene है, ठीक है, दिस वन कैटायन, दिस वन इज एनायन, दैट इज ट्रोपोलो। तो यहां पर यदि आप इस कार्बन को देखें तो यहां पर इसकी ये वैलेंसी आ रही है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में ये कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो ये जो फिर आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे कार्बन, तो दैट इज वाई इट इज नॉन एरोमेटिक। ये आपका सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और इसलिए आपका जो है एरोमेटिक कंडीशन है, हर एक पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और जो है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, n = 1 आएगा आपका, ठीक है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है सब एटम्स, तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की वजह से एरोमेटिक है। इसे ट्रोपाइलियम आयन कहते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये आपका नॉन बेंजोनेट कंपाउंड में आता है, ठीक है, ये भी जो है नॉन बेंजोनेट कंपाउंड में आता है एरोमेटिक में। ये जो है इसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर आ गया, ठीक है, तो 4n+2 और 4n = 8 हो गया, n = 2 आपका 2 आ जाएगा। तो ये जो आपका एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यदि आप इसमें हकल्स रूल को देखें 4n+2 = 8, तो n = 2 क्या बैठेगा आपका 6/4 यानी 1.5, तो दैट इज नॉट फॉलोइंग द एरोमेटिक करेक्टर, तो इट इज एंटी एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड है ये आपका एरोमेटिसिटी की सब फॉलो कर रहा है, इसमें आपका ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाता है और ये इस कंपाउंड से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ये आपकी सब एरोमेटिसिटी कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसलिए ये आपका एरोमेटिक है, अगर सब को फॉलो कर रहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन है कि आपका एरोमेटिक कैसे है, क्या है, इसको मतलब कॉमन नेम एजुलिन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसकी एरोमेटिसिटी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहला तो ये आपका हगल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है सब कंडीशंस को, ठीक है। उसके बाद जो इसमें रेजोनेंस भी हो रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनते हैं इसके, जैसे आपका मान लीजिए जी डबल बॉन्ड आपका जो है यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये वाला आपका यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर आगे भी इनका डीलोकलाइजेशन होगा, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको आप कंबाइनली इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी कंपाउंड एजुलिन है आपका एरोमेटिक करेक्टर में है, और आपके हगल्स रूल की जो कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए उन सबको फॉलो करता है, और इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट भी काफी अच्छा मिलता है, ये मिलता है जिससे प्रूव होता है कि ये एरोमेटिक है, और ये आप इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये जो कंपाउंड्स है इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से नहीं है, क्यों है, कैसे हैं, इनका डिस्कशन करना है। इस कंपाउंड का नाम पिरिडीन है, दिस इज पायरॉल, दिस इज श्यूरॉन और दिस इज थायरॉन, ठीक है। यदि यदि आप इसका कंपैरिजन इससे करें, ठीक, तो यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं, इन एटम्स के पास जो है आपके हिट्रो एटम है, लोन पेयर सब है। अब यहां तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है और सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको रिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4n+2 6π इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो जो एरोमेटिक है उसको फिर वो डिस्टर्ब नहीं कराता, क्योंकि एवरी कंपाउंड हैज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज साइक्लो पेंटा 1,3-डाई। तो ये जो कंपाउंड है आपका एरोमेटिक है, साथ ये एरोमेटिक है, ये आपका लोन पेयर रिंग को डिनोट कर देते हैं तीनों ही, तो आपकी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये भी सब आपके एरोमेटिक लेकिन यहां पर जो कार्बन है इसके चार वैलेंसी हो जाती है, तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, तो इसलिए ये आपका नॉन है। और पिरिडीन की जो बेसिसिटी है वो पायरोल से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर नहीं जा रहा है, तो मोर अवेलेबिलिटी है, पायरोल का जो है वो आपका रिंग के अंदर जा रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी लेस हो जाती है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी आपका स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है, तो ये आपका बहुत इसके मुकाबले में कंपेरिजन में कम बेसिक है। तो इन चार के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, इनकी क्या नाम है, पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका नाम है आपका नेफ्थलीन, ठीक है, इसका नाम है आपका एन्थ्रासीन, इसका नाम है आपका फिनेन्थ्रासीन,
ये आपका फिनाइल और जो है वन फिनाइल वन साइक्लो हेक्स वन। इसमें आपका हकल्स रूल की सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और नॉन इनहेरिंग आपके एरोमेटिक है। इसको आप ऐसे ही मान सकते हो कि भाई ये बेंजीन है, इसके साथ साइक्लोब्यूटाडाइन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये अभी आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। ये भी आपका हकल्स रूल की कंडीशन को सब सेटिस्फाई कर रहा है और डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं और इसमें आप देख लें तो 4N+, ठीक है। तो ये भी आपका एरोमेटिक है। इसी तरीके से ये भी कंपाउंड फिनेंथ्रासीन भी आपका एरोमेटिक है और इसमें आपका एक ये रिंग एरोमेटिक, फर्स्ट एरोमेटिक है, ये एंटी है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। वन पार्ट, यदि एक भी पार्ट किसी भी कंपाउंड का मतलब थोड़ा सा भी पार्ट यदि एरोमेटिक है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाता है। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक। जो आपका हकल्स रूल है वो आपका नेफ्थलीन, पायरीन, बेंजोफिल, बेंजोपायरीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रासीन, हकल्स रूल इन पॉलीसाइक्लिक जो कंपाउंड है आपके कॉन्जुगेटेड उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसमें यदि आपका एक भी रिंग एरोमेटिक है तो आपका जो कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, उसमें जो आपका एक भी रिंग आपका यदि एरोमेटिक आ गया तो कंपाउंड एरोमेटिक आएगा। तो ये जितने भी कंपाउंड है सारे आपके एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये है, तो इसमें आप इसको यदि आप देखें तो ये दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक हैं, लेकिन एरोमेटिक है तो कैसे हैं एरोमेटिक, तो उसमें ये है कि आपका ये लोन फिर यहां शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव और ये आपका फिर चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, बहुत सारे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसमें भी इसी तरीके से होगा कि आपका ये साइक्लोपेंटाडाइनल कैटायन और साइक्लोप्रोपाइनिन एनायन बन जाएगा आपका, ठीक है। ये लोन पेयर जो रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। इसमें भी 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 pi हो जाएंगे, इसमें भी 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हकल्स रूल की सारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन यदि आप इस रिंग को ट्रोपाइलिनम आयन को ट्रोपाइलिनम आयन से जोड़े तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, या इसको इससे जोड़ दे ठीक है, दैट वुड नॉट बी एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, ठीक है। या इसके डबल रिंग बना दे, या इसके भी डबल रिंग बना दे, दैट वुड बी नॉट एरोमेटिक। ये दोनों एग्जांपल आपके एरोमेटिक नहीं होंगे, या इसके भी दोनों ले लें हम कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना होगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ये जो कंपाउंड है आपका दैट इज बोराजीन और बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो जो बेंजीन आ गया तो सब गेस करिए एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन है तो एरोमेटिक होगा ही होगा, ठीक है ना, साफ नाम से इसका आइडिया लग रहा आपको। या इसको हम B3N3H6, ठीक है। तो मतलब बोराजीन आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर होता है,
बोरोन के पास एमपी पी ऑर्बिटल होता है, तो ये इसको यहां पर डोनेट कर देता है। मान लीजिए इसने यहां पे कर दिया, इसको ये यहां आ गया और ये यहां आ गया डोनेट, इसका अपोजिट भी जा सकता है, तो आपका ये बन जाएगा बी एन बी एन बी एन। ठीक है, चलो इसकी लगा दो, तो इस पर जो है आपका नाइट की डबल बॉन्ड आ गया, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, देने वाला डोनर लेने वाला एक्सेप्टर। ठीक है, इसको आप रेजोनेंस भी दिखा सकते हो इस तरीके से, और रेजोनेंस हाइब्रिड। That is आपकी लॉन्गरिंग बेन ये बन गई। इसका यदि आप अपोजिट बनाते हैं तो ये बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ठीक है यहां पर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाता है आपका। ये आपका जो है बोराजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है आपका साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्रा ईन, ये भी कंपाउंड हुई है। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एंटी एरोमेटिक है नॉन है। उसका रीजन ये है कि इसकी ये शेप नहीं होती, बल्कि ये टप शेप होता है ये कंपाउंड, जिसकी वजह से इसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आपके आउट ऑफ प्लेन। अब आज के जब एटम्स अब एक प्लानर नहीं रहते, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड का पहले तो नाम ही क्या होगा। ठीक है, नाम इसका होगा साइक्लो ब्यूटा और टू इन 1। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो क्या होगा यदि तो आप इस कार्बन को देखें तो इस पर दो हाइड्रोजन नजर आ रहे होंगे आपको, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर तो आपका नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं, बल्कि ये कंपाउंड टॉटोमराइज होगा। बड़े निशान का मतलब ये क्लोरोन इस डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन आपका ये डबल बॉन्ड जो है आपका ये हाइड्रोजन आपका यहां शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड ऊपर होके ये शिफ्ट होकर यहां। ठीक है, तो अब जो है ये कंपाउंड जो आपकी सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फुलफिल कर रहा है। ठीक है, एंटी एरोमेटिसिटी का आंकल सूल की 4N=4N=1, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, और सभी एटम एक ही प्लेन में भी है, तो दैट इज एंटी। तो ये जो कंपाउंड है आपका इट्स नेम इज साइक्लो ब्यूट का 1-2-3 ट्राई। तो ये आपका एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, देखो कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ये हम उसके एनएमआर स्पेक्ट्रम की मदद से भी प्रैक्टिकल डाटा से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो
जो है इनके जो स्पेक्ट्रम स्कोपी स्टडी है वो इन सब चीजों में बहुत हेल्प करती है जो आपको हाई लेवल में पढ़ाई, ठीक है। उसके बारे में हम खैर डिस्कस नहीं करेंगे, अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है इसके एविडेंस कहाँ से, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से मिल जाते हैं और आप कई सारे इमेजेस भी देखी होंगी आपने जिसमें स्पेक्ट्रम उनके दिखा रखे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका टॉटोमराइज हो जाता है, हाइड्रोजन एटम यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, टॉटोमराइज। ठीक, उसके बाद जो है ये डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, अब देखिए आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये मॉलिक्यूल सारा ही जो है हकल स्कूल कंडीशन को एरोमेटिसिटी की फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज और ये आपकी एरोमेटिक करेक्टर को शो। तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बारे में आप लोग क्या राय है, इसको आप ऐसे भी सकते हैं एफई C5H5 ओल्ड वाइस, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फेरोसे, इसमें आपका ये साइक्लोपेंटाडाइन आयन है, ठीक है। तो इसकी ये दो यूनिट है जिनसे आपका Fe जुड़ा होता है, इसमें एरोमेटिसिटी होती है तो सारी बॉन्ड लेंथ जो इसकी सेम होती है। और इस कंपाउंड को ये एरोमेटिक है आपका इसलिए, और इस कंपाउंड को हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आपके जो साइक्लो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोलिक्स। तो हम इनमें एरोमेटिसिटी और जो है एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिक इस करेक्टर को डिस्कस करें। तो सिंपलेस्ट मेंबर तो फर्स्ट आप जानते ही हैं साइक्लो ब्यूटाडाइन है, ठीक है। चार कार्बन का अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है आपका, तो ये आपका 4N है तो एंटी एरोमेटिक है। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा मेंबर 6 मेंबर का बन सकता है अल्टरनेट में, जिसे आप बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये हमने जो है तीन कंफर्मेशंस बनाई हैं आपकी साइक्लो डेका, ठीक है, और 1, 2, 1, 3, 5 और जो है 7, 9 पेंटा पेंटा इन की आपकी हमने ये कंफर्मेशन बनाई है तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीनों ही जो है आपकी नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसमें क्या होता है आपका स्ट्रेन बहुत होता है, इसमें जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का रिपल्शन फोर्स है, इसमें जो आपका एंगल का रिपल्शन आ जाएगा। आप जो है कंसीडर करके देखिए कि इसकी दो वैलेंसी में कितना एंगल बैठेगा, तो 144 डिग्री के करीब एंगल बैठेगा, ठीक है। जिसको आप एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाए और ये 10 साइड्स में 360 को डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो 36 और उसका ट्राइंगल बनाकर कैलकुलेट करें तो दैट वुड बी अराउंड 144 इसमें एंगल बैठेगा। तो ये आपके तीनों स्पीशीज जो है नॉन एरोमेटिक। तो हम आगे की अब एनुलिंस का जो आगे के मेंबर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे।
ये आपके तीनों मेंबर्स जो हैं मतलब 10 मेंबर लिंक के मेंबर है, कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो है आपके एरोमेटिक में लेने चाहिए और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से इसका कंफर्म हो गया एनएमआर वाली स्टडी से कि ये कंपाउंड जो है आपके एरोमेटिक है, इसमें जो है आपकी डायमैग्नेटिक टाइप की प्रॉपर्टीज है। तो ये आपका 12 मेंबर्ड एनुलिन है, ठीक है, और इसमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन 12 है, तो 4n इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू आपका 3 आ गया। तो ये कंपाउंड जो है आपका एंटी एरोमेटिक, तो ये हकल सूर की एंटी एरोमेटिसिटी की सभी जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना। तो ये आपके 14 मेंबर एनिलिन है, दिस वन, और ये डी हाइड्रो 14 मेंबर। तो ये जो है आपके इनके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n प्लस 2 इक्वल्स टू आप जो है 14 कर दीजिए, पहले इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और दोनों ही स्पेशीज आपकी दोनों स्पेशीज आपकी एरोमेटिक। ये आपकी 18 मेंबर एनुलिन है, और ये भी आपकी हकल सुरूल की एरोमेटिसिटी की सब कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और ये आपकी और 18 के बाद जैसे 22, 26, 30, 34 इन मेंबर्स की भी आप 100 एनुलिन्स ले लें तो वो भी आपकी एरोमेटिक हो, ठीक है। तो बिल्कुल हकल सुरूल आगे की भी हायर उन पर एप्लीकेबल है। अभी हम एक और इलस्ट्रेशन लेंगे, कैकुलिन, वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, वो भी आपका एरोमेटिक। आपका कैकुलिन है, ये भी आपका एरोमेटिक होता है करेक्टर में, और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज सभी ये शो करता है, और इसका आप रिंग भी बना सकते हैं गोल, उससे भी आपकी नई पिक्चर बन जाएगी। हाइड्रो पाई रिंग है, तो एक प्रकार से ये भी आपका एरोमेटिक है, और दूसरा आपका कंपाउंड जो बेंजाइन है, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो ये भी आपका एरोमेटिक, दोनों ही आपके एरोमेटिक नेचर। तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशंस वगैरह के लिए डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। सेकंड थिंग ये है कि मतलब एरोमेटिसिटी एक प्रैक्टिकल फिनोमेना, जिसके हमने फिर थ्योरी बेसिस पर रूल्स देखे हैं, हायर लेवल पर हकल बहुत इनलार्ज हो जाती है, जिसमें एमओटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने उन सब पोर्शंस को छोड़ते हुए इजी वे में चीजों को बनाने की कोशिश करी है, तो आई होप सो आपका आईडी तक के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।